सड़कें देखी है जो 2.5 साल में टूट गई है, टूटी हुई सड़कें। अब वो मेंटेनेंस के हालात में भी नहीं थी। एमएलए को या एमपी को ये नहीं पता है कि किस ब्लॉक में कौन कौन सड़कें मेंटेनेंस पॉलिसी में है। पब्लिक ऐप जिसमें कि हर एक ब्लॉक को हम रोड जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी के रोड है उनका नाम और सड़क का हम डिटेल दें, और एनीबडी एनी इंडिविजुअल कैन टेक अ स्नैप एंड लोड इट इन दैट ऐप कि भाई ये सड़क आपकी मेंटेनेंस पॉलिसी में है और ये सड़क की हालात ये है। तो इससे क्या है कि एक पब्लिक का अवेयरनेस होगा। देखिए, एक है कि अभी 1,17,000 में 25,000 किलोमीटर सड़कें हैं जो डेफिसिट लायबिलिटी से बाहर हैं, मतलब जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी में नहीं है। लेकिन हम लोग विभाग जो मेंटेनेंस पॉलिसी में है, हम अभी गया गए थे उपचुनाव में, सो बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी में है लेकिन वो सड़कों की स्थिति अच्छी नहीं, जो जिसको अभी फर्दर हमको ठीक होना चाहिए था, 2 साल पहले ही बना है। तो इसके लिए भी हमने एसीएस से आप बात किया है कि वी शुड कम विथ समथिंग वेरी डिफरेंट कि ये कैसे हम अपने विभाग का कंट्रोल फील्ड में बढ़ा सकें कि जो ये 117 में 25 माइनस कर दीजिए, मोटा मोटी लगभग हम समझते हैं 65,000 किलोमीटर सड़क है सर जो अभी मेंटेनेंस में है, मेंटेनेंस 65,000 किलोमीटर मेंटेनेंस में है। तो इन बता रहे हैं कि बहुत टूट जा रहा है। हाँ, तो नहीं, हमने एक सड़कें देखी है जो 2.5 साल में टूट गई है, टूटी हुई सड़कें। अब वो मेंटेनेंस के हालात में भी नहीं थी क्योंकि मैं खुद उस सड़कों में पिट था। तो हमने उसको जो बोर्ड लगा हुआ उससे हमने फोटो खींच करके हमने पता किया कि ये मेंटेनेंस पॉलिसी में सड़क है कि नहीं, क्योंकि उससे लगता था कि वो मेंटेनेंस पॉलिसी में, तो पता चला कि वो मेंटेनेंस पॉलिसी में। तो आम जनता को, प्रदेश के खुद भी बहुत से एमएलए को या एमपी को ये नहीं पता है कि किस ब्लॉक में कौन कौन सड़कें मेंटेनेंस पॉलिसी में है, क्योंकि इस तरह का कोई लिस्ट सार्वजनिक नहीं है। तो हमने इसे साहब से आग्रह किया है कि वी शुड कम विथ एन ऐप, पब्लिक ऐप, जिसमें कि हर एक ब्लॉक को हम रोड जो हमारे मेंटेनेंस पॉलिसी के रोड है उनका नाम और सड़क का हम डिटेल दें, और एनीबडी एनी इंडिविजुअल कैन टेक अ स्नैप एंड लोड इट इन दैट ऐप कि भाई ये सड़क आपकी मेंटेनेंस पॉलिसी में है और ये सड़क की हालात ये है। तो इससे क्या है कि एक पब्लिक का अवेयरनेस होगा, और दूसरा है कि हमारे विभाग पर जो हमारे लोग हैं उनके ऊपर भी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का दबाव बढ़ेगा कि हमको ये रोड मेंटेन रखना है, और जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी। मंत्री महोदय ने कही तो उसी तरह से हमारी सड़क या मेरी सड़क इस तरह से करके एक ऐप हम लोग, मुझे लगता है 15 दिन से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, जिसमें ब्लॉक वाइज सड़कों के नाम रहेंगे, क्योंकि आम आदमी को ये पता नहीं चलता कि ये कौन सी सड़क है, ये तो उसमें रहेगा, और जिसमें वो उस सड़क पे जाके सड़क का नाम चूज करके उस पर अपने हिसाब से जियो टैग्ड फोटो वो अपलोड कर सकते हैं, ताकि वो फोटो सभी लोग देख सकते हैं, हमारे इंजीनियर भी देख सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर भी देख सकता है, विभाग भी देख सकता है, ताकि वो जानकारी हमारी तुरंत हो और यहां से हम तुरंत उस पर एक्शन ले सकें।